तो मूवी के स्टार्ट पार्ट वन के एंडिंग पर खत्म होता है यानी कि अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट टू को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है मूवी की शुरुआत पार्ट वन की एंडिंग से स्टार्ट होता है जहां विक्टर क्राउली ने मेरी बैथ को पकड़ लिया होता है लेकिन इसी बीच मेरी बैथ विक्टर क्राउली की आग पर अटैक कर देती है जिस पर विक्टर क्राउली पानी में गिर जाता है और मौके का फायदा उठा कर मेरी बैथ वहाँ से जाने लगती है तभी उसे वहाँ पर जैक मिलता है और जैक वही बोट वाला आदमी होता है जिसने उन सबको उस जगह पर जाने से वॉन किया था अब जैक मैरी मैरीपै को अपने घर पर लेकर जाता है जहां मैरी जैक को को बताती है कि विक्टर ने उसके सारे फ्रेंड्स मार दिया और वो अब उसे भी मारने के लिए आएगा तब जैक उसे कहता है की मैंने तुम सबको वहाँ जाने से मना किया था लेकिन तुम में से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी मैरी मैरीपैथ उसे बताती है की वो अपने भाई और फादर को ढूंढने के लिए यहाँ आई थी लेकिन विक्टर क्राउली ने उन्हें भी मार दिया जिस पर जैक उसका नाम पूछता है तब वो अपना नाम मेरी बैथ डेंटन बता दिए जिस पर जैक समझ आता है कि की बेटी है जैक गुस्से में आकर उसे बाहर जाने का कहता है अब मेरी बैथ कुछ नहीं समझ पाती है कि आखिर जैक उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा होता है तब जैक एक शॉर्ट गन निकालता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें इसका जवाब चाहिए तो तुम रेवरेंट जॉम्बी के पास जाओ इस पर मेरी बैथ वहाँ से चली जाती है अब कुछ देर के बाद जैक को बाहर से कुछ आवाजें आती है जिस पर वो शॉर्ट गन लेकर अलर्ट हो जाता है तभी पीछे से विक्टर क्राउली आ जाता है जो उसके को ही बाहर निकाल कर उसी का गला दबाता है और इतनी ताकत से वो उसका गला दबाता है जिसकी वजह से जैक का सर धड़ से अलग हो जाता है उसी तरफ मैरी बैथ रेवरेंट जॉम्बी के शॉप पर जाती है मैरी बैथ उसे बताती है कि जैक ने उसे यहाँ पर भेजा है जिस पर रेवरेंट जॉम्बी उसे अंदर आने का कहता है अब मेरी बैथ उसे सब कुछ बताती है मेरी बैथ यहाँ जॉम्बी को अपने फादर का नाम भी बताती है और पूछती है कि आखिर वो उसके फादर के बारे में क्या जानता है और तब सॉम्बियो से बताता है कि जब वो छोटा बच्चा था तब थॉमस क्राउली अपनी वाइफ के साथ जंगलों में रहा करता था अब यहाँ थॉमस की वाइफ को कोई बीमारी होती जिसकी वजह से थॉमस ने एक नर्स हायर किया था जो उसे अक्सर देखने आया करती थी लेकिन इसी बीच थॉमस और नर्स एक दूसरे को पसंद करने लगते है। और थॉमस अपनी वाइफ को चीट करने लगता है और उसकी वाइफ की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है की वो कोई भी ऐसी हालत में नहीं होती है की कुछ कर सके सिवाय अपने मरने का इंतजार करने के अब थॉमस अपनी वाइफ की दिन ब दिन ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा हर्ट होता है और जब वो नर्स थॉमस के पास आई तो वो खुद के इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया इसी तरह कई दिनों तक थॉमस अपनी वाइफ को चीट करता रहा और एक दिन उन्हें ऐसा लगा कि थॉमस की वाइफ मर चुकी लेकिन थॉमस की वाइफ ने उन्हें पकड़ लिया होता है और वो मरी नहीं होती है और तब थॉमस की वाइफ गुस्से में आकर नर्स के बच्चे को कर्ज देती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है अब कुछ वक्त के बाद नर्स को बेबी होता है जो देखने में काफी ज्यादा खौफनाक होता है और जैसे ही नर्स उसे देखती है तो वो मर जाती है और इसके बाद उन जंगलों में अपने फादर को ढूंढा करता है और उसके रास्ते में जो कोई आता है विक्टर क्राउली उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है अब यहाँ जॉम भी बताता है कि विक्टर क्राउली जिन तीन बच्चों की शरारत से मारा गया था उसमें एक मैरी बेड की फादर थे जिस पर मेरी बैथ जो को कहते हैं कि वो उसे उस जगह पर लेकर चले यहाँ मेरी बैथ अपने भाई और फादर का बदला लेना चाहती थी जिस पर जोम्बी उसे मना कर देता है लेकिन मेरी बैथ के अपने साथ लेकर जाता है लेकिन जॉम्बी वहाँ पर जाने के लिए एक और आदमी को लाने का कहता है जो कि मेरी की मेरी बैथ के अंकल होते हैं तब मेरी बैथ उसकी बात मान लेती है और उसके बाद जोम्बी बहुत से ट्रेंड हंटर्स को हायर करता है उनमें से एक ट्रेंड नामी हंटर भी होता है दूसरी तरफ मेरीपेथ अपने अंकल को भी वहाँ पर जाने के लिए इंसिस्ट कर लेती है और वो उस जगह पर जाने के लिए राजी हो जाते हैं अब जोम्बी सबको बताता है कि उन्हें फॉरेस्ट में एक बोट को ढूंढना है और उन्हें शिकार करने पर रिवॉर्ड भी मिलेगा और उन्हें विक्टर क्राउली का शिकार करना होगा अब ये सुनते ही सब वहाँ से जाने लगते हैं उनमें से ट्रेंट भी वहाँ से जाने लगता है लेकिन जोम्बी उसे ज्यादा पैसों का लालच दे देता है जिस पर ट्रेंट मान जाता है अब वहाँ पर जाने के लिए बस कुछ ही लोग होते हैं जॉम्बी उन्हें ऑफर देता है और कहता है की अगर उन्होंने बोट को लेकर आए तो उन्हें पाँच सौ डॉलर मिलेंगे और विक्टर का सर लाने पर पाँच हजार डॉलर और तब वो सब उस जगह के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर पहुँचते हुए उन्हें रात हो जाती है और तब वो सब वहाँ पर बोट को ढूंढने लगते हैं अब उन लोगों में से कुछ लोग मेरी के साथ क्राउली का घर ढूंढने जाते हैं और दूसरी तरफ दो हंटर्स एलिगेटर पकड़ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि विक्टर क्राउली बस एक अफवाह है और टाइम वेस्ट करने से अच्छा वो एलिगेटर्स पकड़ लें इसी बीच उन्हें विक्टर की आवाजे आती है जिस पर उन्हें लगता है कि कोई उनके साथ मजाक कर रहा होगा और तब उनमें से एक हंटर देखने के लिए जाता है जिस पर विक्टर क्राउली उसे पकड़ लेता है और हैचेट से इतनी बार मारता है कि उसकी मौत हो जाती है अब दूसरा हंटर ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और बोट को स्टार्ट करके वहां से जाने लगता है लेकिन तभी विक्टर क्राउली उसे पकड़ लेता है और बोट के मोटर में उसका फेस डाल देता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है दूसरी तरफ की जस्टिन को बताता है कि क्राउली को जिन तीन बच्चों ने मारा था उनमें से एक मैरीबेथ के फादर थे जिसे विक्टर ने मार दिया और दूसरा मैरीबेथ के अंकल और तीसरा ट्रेंड और इन तीनों को मारने के बाद विक्टर क्राउली का बदला पूरा हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा साथ ही साथ उसका स्वम पर टूर कराने का बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा तब उन्हें विक्टर का घर भी मिल जाता है लेकिन वहाँ पर जाकर मेरीबेथ को उसके फादर और भाई की डेड बॉडी ही नहीं मिलती है जिस पर वो काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है दूसरी तरफ उन लोगों में से दो लोग बाहर बातें कर रहे होते हैं और तभी अचानक से विक्टर आ जाता है जो उस लड़के का सर हैच से काट कर अलग कर देता है और जब तक उसके पास बैठी वो लड़की समझ पाती तब तक विक्टर उसे भी जान से मार देता है अब उनमें से दो और हंटर्स जा रहे होते हैं लेकिन इसी बीच विक्टर वहाँ पर आ जाता है जो एक चैन सो ऐसी उन दोनों को एक साथ बीच से काट देता है अब ये सब आवाजें सुनकर ट्रेंट अलर्ट हो जाता है दूसरी तरफ मैरी और जस्टिन एक घर पर छुप जाते हैं जहाँ जस्टिन जॉम्बी का पूरा प्लान ही उसे बता देता है और ये सुनकर मेरी बेट अपने अंकल को बचाने के लिए जाती है और तब जस्टिन खुद को सेव करने के लिए घर में ही खुद को लॉक कर लेता है है लेकिन विक्टर ठीक जस्टिन के पीछे होता है। और तब वो एक हथियार से उसका गला काट देता है और तब विक्टर दरवाजा तोड़कर उन पर अटैक करने लगता है इसके बाद विक्टर ट्रेंट पर अटैक करता है लेकिन ट्रेंट काफी बहादुर होता है वो उसका पूरा मुकाबला करता है जिससे विक्टर की भी हालत खराब होने लगती है और जैसे ही ट्रेंट विक्टर को चाकू से मारने ही वाला होता है कि तभी विक्टर उसकी टांग ही तोड़ देता है और तब वो एक टेबल पर उसका फेस रखता है और फिर धक्का मार कर उसका सर धड़ से अलग कर देता है अब सॉम्बी जानकर मेरीबेथ के अंकल को घर में बंद कर देता है जिस पर विक्टर क्राउली घर के अंदर जाता है और मेरीबैथ के अंकल को भी मार देता है अब सॉम्बी काफी ज्यादा खुश हो जाता है की आखिर विक्टर का बदलाव पूरा हो चुका है और अब वो अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट कर सकता है लेकिन ये सुनने के बाद मेरीबैथ उसे बताती है की वो उसके असली अंकल थे ही नहीं बल्कि वो उसके फादर के बेस्ट फ्रेंड थे और उसके अंकल तो कई साल पहले ही किसी बीमारी की वजह से मारे गए और तब वहाँ पर विक्टर आ जाता है और तब विक्टर उसे हैचेट से इतना मारता है कि उसके तो टुकड़े हो जाते हैं और तब वो उसकी स्किन को बॉडी से अलग कर देता है अब मौके का फायदा उठाकर कर बेथ उस पर एक एक्स से अटैक कर देती है और उसे बहुत ज्यादा मारती है लेकिन तभी भी विक्टर जिंदा होता है जिस पर वो एक शॉटगन लेकर उसके फेस पर शूट कर देती है और तभी भी विक्टर मरा नहीं होता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल्सो टू सब्सक्राइब टू माई चैनल